हे वेलकम टू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम विवेक है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम टेली प्राइम के अंदर पेरोल का जो कंसेप्ट है उनके बारे में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरोल का मतलब होता है सैलरी स्लिप जब कभी भी आप किसी कंपनी में काम करते है तो वहाँ के जो भी इंप्लाय है मंथ के स्टार्टिंग में जो है हम उनको सैलरी स्लिप देते हैं उनके प्रीवियस मंथ में जिसमें जो है हम ये सारे डिटेल फिल करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको टेली प्राइम के अंदर जो है एक सैलरी स्लिप यानी कि पे स्लिप जिसको कहिए या पे रोल कहिए ये सारे नाम जो है एक ही है तो इनको बनाना जो है हम सीखेंगे इस स्लिप में आपको सबसे पहले तो आपकी कंपनी के इन्फॉर्मेशन होंगे जो इन्फॉर्मेशन जो है आप कंपनी क्रिएट करते समय फिल करते हैं उसके बाद ये पे स्लिप या सैलरी स्लिप किस मंथ के हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा एम्प्लॉय का नाम होगा और एम्प्लॉय के जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है जिसमें उसका एम्प्लॉय नंबर उनका फंक्शन क्या है डेजिनेसन क्या है कहाँ से वो बिलोंग करता है बैंक डिटेल है तो क्या है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यू नंबर और ई नंबर तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको एम्प्लॉय का होगा उसके बाद यहाँ पर उनका अटेंडेंस डिटेल होता है जिसमें उनका अप्सेंट परजेंट आपकी कंपनी अगर ओवर टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं तो कितने आवर्स उसने ओवर टाइम करा है वो डिटेल होगा और साथ में जो है परजेंट कितने दे रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे आपको शो होगा उसके बाद यहाँ पे आपको अर्निंग दिखेंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट दिखेगा ग्रोथ सैलरी होगा उसी तरीके से डिडक्शन अमाउंट और ग्रोथ सैलरी यहाँ पे अर्निंग में जो आपको ये दिख रहा है बेसिक सैलरी डीएनएस अनाउंस हाउस रेंट अनाउंस एच आर मेडिकल अनाउंस ऑवर टाइम उसके बाद ईपीएफ सॉरी ईपीएफ यानी कि प्रोविडनल फंड और सबसे लास्ट में ईएसआई जो कि हमारा एम्प्लॉज़ इंश्योरेंस स्टेट होता है तो ये जो सारे चीज़ें ये हम टेली प्राइम के अंदर हेड्स के नाम से जानते हैं तो हेड क्रिएट करना भी हम सीखेंगे और उस हेड को कैसे अप्लाई करते हैं सैलरी स्लिप पे वो भी हम जानेंगे सो so, चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा सो so, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम टेली प्राइम को ओपन करते हैं ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो चलिए फिलहाल जो हम इसे एजुकेशन मोड में जो है चलाएंगे यहाँ से इंटर पेश करते हैं हमने ऑलरेडी पहले से कंपनी क्रिएट कर रखा है आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं करा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी कंपनी क्रिएट क्रिएट करना होगा आप करने नहीं आता है तो इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है जाके आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब कंपनी क्रिएट हो जाए तो आपको यहाँ पे जो है पेरोल का जो फीचर्स है उन फीचर्स को सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा कंपनी के फीचर्स देखने के लिए जो है हम अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं तो हमारे कंपनी का जो फीचर्स है वो सारे फीचर ऑन हो जाते हैं यहाँ पे जो है शो so मोर फीचर ये भी ऑन होना चाहिए और सो so ऑल फीचर ये भी ऑन होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पेरोल का ऑप्शन आ रहा है तो इस ऑप्शन को जो है ये नो है तो इसको हम येस करेंगे राइट डाउन एरो को जो है हम क्लिक करेंगे तो हम नीचे आते जा रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो है यस यहाँ पर टाइप करके इंटरफेस कीजिए उसके बाद है इनेबल पेरोल सेचूरेटरी अगर इसे आप यस yes करते हैं तो आपको जो है इसमें कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन फ़िल करना पड़ेगा जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं तो ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन हमें फ़िल करने होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले यूज़ करते हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हो और वहाँ पे आपको पेरोल बनाना है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा जो कि आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं चलिए हम जो है प्राइवेट के लिए बना रहे हैं तो हम इस इन्फॉर्मेशन को नो करके कंट्रोल ए से इनके डाटा को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे हमने कंपनी फीचर्स जो है यहाँ पे ऑन कर लिया है पहला काम तो आपको ये करना है सेकेंड स्टेप में जो है गेट वे ऑफ टेली पे यानी कि जब आप टेली ऑन करते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको आना है क्रिएट में इंटरफेस कीजिए यहाँ पे आने के बाद देखिए अब आप, आप अगर पेरोल का ऑप्शन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको पेरोल मास्टर जो है ओपन हो जाएगा पेरोल मास्टर में हमें ये सारे जो है टर्म्स मिलते हैं सबसे पहले हम एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे उसके बाद एम्प्लॉय का डिटेल फिल करते हैं यूनिट और अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप और उसके बाद जो है, है। तो यहां पे हेड तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास फाइव स्टेप जो है और लेके चलना होगा पेरोल मास्टर के अंदर तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा एम्प्लॉय ग्रुप है तो इनके अंदर जो है हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं तो इस इसपे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नाम पूछा जा रहा है एम्प्लॉय का ग्रुप आप कंपनी में काम करते हैं, तो हर एक चीज का एक ग्रुप बना होता है मार्केटिंग का एक ग्रुप होता है उसके बाद अकाउंटेंट का ग्रुप होता है ऑपरेटर का ग्रुप होता है मास्टर का ग्रुप होता है तो उस तरीके से आपके कंपनी में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सारे ग्रुप को जो है यहाँ पर सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है हम दो ग्रुप बना के चलते हैं एक मार्केटिंग और दूसरा सेल्स तो यहाँ पे चलिए हम जो है सबसे पहले मार्केटिंग के लिए बनाएंगे तो नेम के अंदर जो है आप मार्केटिंग टाइप कीजिएगा आपके कंपनी में जितने भी ग्रुप है वो बना सकते हैं टाइप करने के बाद कंट्रोल ऐसे से एक्सेप्ट कर लीजिए एक ग्रुप आपकी कंपनी का बन चुका है उसी तरीके से, से सेल्स का भी एक ग्रुप होगा तो यहाँ पे जो है हम सेल्स बना देते हैं कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा उसी तरीके से और भी ग्रुप हैं जैसे ऑपरेटर हो गया हेल्पर हो गया तो एम्प्लॉय के जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं आपके कंपनी में वो जो है ग्रुप यहाँ से बना लेंगे ग्रुप बनाने के बाद आपको स्केप प्रेस करना है अगेन स्केप तो आप बैक आ जाते हैं मास्टर क्रिएशन के अंदर आ जाते हैं अब आपको आना है एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिए प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉय का डिटेल फिल करना पड़ेगा आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सारे का जो है डिटेल आपके पास होने चाहिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सारे का डिटेल जो है आपको वन बाय वन फिल करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप सारे एम्प्लॉय का अगर एक बार टैली कर लेते हैं उनका डिटेल को आप टैली में फिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ से जो है आपको सैलरी स्लिप में दिक्कत नहीं आएगा तो ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का डिटेल फिल करना पड़ेगा सोच समझिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम कैसे फिल करेंगे नेम के अंदर जो है हम उस व्यक्ति का नाम फिल करेंगे जिसका हम जो है यहाँ पे पे स्लिप बनाना चाहते हैं सबसे पहला एम्प्लॉय हम विवेक का ही लेके चलते हैं नेम में विवेक इंटरपेस कीजिए अंडर के जो है यहाँ पे अंडर में आपको ये बताना है कि ये बंदा किसके अंदर है अभी कुछ आ नहीं रहा है स्पेस क्लिक कीजिए राइट साइड में देखिए आप जो ग्रुप बनाए होंगे एम्प्लॉय का वो ग्रुप यहाँ पे शो होने लगेगा अब आपको ये बताना है कि विवेक मार्केटिंग के अंदर है या सेल्स के अंदर है हमने अभी फिलहाल दो ग्रुप बना रखा है हम ले कर चलते हैं कि विवेक जो है मार्केटिंग के अंदर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे इस बंदे का डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है तो हम एक अप्रैल दो हज़ार बाईस ले कर चलते हैं जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है उसके बाद जो है डिफाइन सैलरी डिटेल फिलहाल इस डिटेल को जो है हम नो करके चलेंगे आगे हम इसे यस करेंगे लेकिन अभी आपको ये नो करना है इंटरपेस कीजिए एम्प्लॉय का जो है नंबर आपको फ़िल करना है एम्प्लॉय नंबर क्या है तो हम इसे लेके चलते ई डबल जीरो वन हर एक एम्प्लॉय का एक अपना नंबर मिलता है कंपनी की तरफ से तो एम्प्लॉय नंबर जो आपको यहाँ फिल करना है डेजिनेशन में आपको बताना होगा कि इसका डेजिनेशन क्या है हम यहाँ पे लेके चलते हैं मार्केटिंग फंक्शन में आपको बताना होगा ये क्या काम करता है तो हम लिख देते हैं मार्केट मैनेज उसके बाद लोकेशन बताना पड़ेगा कि ये लोकेशन जो है किस लोकेशन को ये मैनेज करता है उसके बाद इंटरफेस कीजिए इसका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा मेल या फीमेल डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका वो आपको यहाँ से जो है टाइप करना पड़ेगा तो उसके बाद यहाँ से जो है आपको ब्लड ग्रुप बताना होगा अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो अनोन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको पता है तो नीचे जो है आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उनके फादर्स या मदर्स का नाम है तो वो जो है आप इसके अंदर फिल करेंगे इस पाउस यानी कि अगर इनके पत्नी का नाम है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और अगर जो है एम्प्लॉय अगर फीमेल है तो उनके जो हस्बैंड का नाम है वो आपको स्पाउस नेम के अंदर फिल करना पड़ेगा उसके बाद जो है एड्रेस एड्रेस में जो एम्प्लॉय का एड्रेस फिल करेंगे उसके बाद नीचे हमें दो और इन्फॉर्मेशन इनका पूछा जा रहा है फ़ोन नंबर और ई मेल तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन फिल करके इंटरपेस कीजिए अगर आप इस एम्प्लॉय का जो है बैंक डिटेल प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप यस yes करेंगे अगर बैंक डिटेल नहीं है तो आप नो no करके आगे का स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं फिलहाल हमारे पास इनका बैंक डिटेल है तो हम इसे यस yes करके आगे का जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो है हमें बैंक का सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा सबसे पहले हमें जो है अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जो है आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे उसके बाद जो है उस बैंक का आईएफएससी कोड आपको फिल करना है जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एम्प्लॉय का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम उस बैंक का आईएफएससी कोड फिल करेंगे ब्रांच का नाम क्या है तो सॉरी यहाँ पे बैंक का नाम है अगर आपने बैंक का नाम क्रिएट कर रखा होगा तो यहाँ पे शो होगा और अगर कोई न्यू बैंक है तो इसके लिए आप न्यू बैंक पे क्लिक कीजिए उसका नाम यहाँ पे जो है आप टाइप कीजिए जैसे हमारा जो है पीएनबी है हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं पीएनबी एन बी और करेंगे यहाँ पर नाम आ जाएगा ब्रांच क्या है इसका तो आप जो है वो ब्रांच इसका लिख देंगे बैंक का ब्रांच क्या है वो आपको फिल करना है इंटरपेस कीजिए यहाँ पर आपको ट्रांजेक्सन टाइप बताना है कि आप इसको जो है किस तरीके का ट्रांजेक्शन करेंगे जब आप पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू करेंगे या ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे या अदर करेंगे जो मैक्सिमम होता है वो ई e फंड यानी कि जो है ऑनलाइन होते हैं तो ई e फंड हम ट्रांसफर लेके चलते हैं यहां डिटेल आ जाएगा इंटरफेस करते चलिए ये जो है प्रोवाइड हो गया हमारा बैंक डिटेल अगर पैन नंबर है तो नीचे आप इसमें पैन नंबर फिल कीजिए आधार नंबर है तो आधार नंबर जो है आप इसमें फिल करेंगे उसके बाद जो है हमारा यू नंबर यू नंबर अगर उस बंदे का पी कटता है तो आपको यू नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है उस एम्प्लॉय का तो आप जो है वो यू नंबर इसके अंदर फिल करेंगे तो ये यू नंबर बारह कैरेक्टर का होता है बारह नंबर का तो वो आप फिल करेंगे पी अकाउंट नंबर अगर है तो वो दीजिए पी अकाउंट नंबर है तो दीजिए नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ के ई नंबर अगर ई का मेंबर है तो ये एस नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाता है इंश्योरेंस नंबर वो नंबर डाल के जो है इससे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो है हमने एक एम्प्लॉय का डिटेल फिल कर लिया इसी तरीके से जो है आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है पचास सौ दो सौ उन सारे का जो है डिटेल फिल करना पड़ेगा अगेन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम उसके बाद जो है अंडर में आप स्पेस क्लिक कीजिए ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा जो भी ग्रुप है उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये ऑप्शन फिलहाल अभी आपको नो रखना है जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए बैंक डिटेल देना चाहते तो वो और जो बाकी अदर डिटेल है वो डाल के कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे फिलहाल एक ही एम्प्लॉय को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं सॉरी ऐड कर रहे हैं बैक स्केप के मदद से जो है हम बाहर आ जाते हैं दो इन्फॉर्मेशन को हमने ऐड कर लिया पेरोल मास्टर के अंदर एक है एम्प्लॉय ग्रुप और एक है एम्प्लॉय अब हमें आना है यूनिट के अंदर यूनिट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बताना होता है वर्किंग किस हिसाब से करा रहे हैं डेज के हिसाब से कराएंगे और अगर आप ओवर टाइम पे कर रहे हूँ यानी कि ओवर टाइम कोई काम करता है तो वो जो है आवर्स के हिसाब से भी होता है तो हमें यहाँ पे दो सिंबल बनाने पड़ेंगे जो हमारा यूनिट है वो बनाना पड़ेगा सबसे पहला कि एक तो डे के हिसाब से जो है हम यहाँ पे सैलरी सीट बनाएंगे और दूसरा जो है ओवर टाइम के लिए आवर्स के और आवर्स में भी हो सकता है कि हम मिनट के हिसाब से बनाएं क्योंकि कोई ऐसा भी एम्प्लॉय हो जो चार घंटा तीस मिनट काम करे तो उसके लिए जो है हम मिनट में भी बनाएंगे तो सोच चलिए यहाँ पे जो है हम सबसे पहले डे का हम बनाते हैं तो यहाँ पे सिंबल में हम यहाँ पे डेज लिख देंगे और कंट्रोल ऐसे जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एक हमारा जो है यूनिट बन चुका है वर्किंग का कि एक यूनिट हमारा डे का होगा उसी तरीके से आवर्स का आप यहाँ पे टाइप करके कंट्रोल ए कर लीजिए आवर्स का भी बन चुका है अब एक मिनट के लिए हम बनाएंगे हो सकता है कोई एम्प्लॉय मिनट में भी काम करे तो मिनट का एम आई एन करके कंट्रोल एक कर लेंगे तो यहाँ पे जो है हमने तीन बना लिया अब हमें एक एक्सचेंज जो है यहाँ पे लेके आना होगा कि एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे बैक स्पेस क्लिक कीजिए टाइप में आपको कंपाउंड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा इसको सेलेक्ट कीजिए प्रेस कीजिए यहाँ पे हम आवर्स को जो है चेंज करेंगे सिक्स मिनट में तो वन आवर्स कितने मिनट का होगा तो सिक्सटी मिनट का तो हम यहाँ पे जो है सिक्सटी प्रेस कीजिए यहाँ पे आप मिनट सेलेक्ट कीजिए और इसे यस yes कर लीजिए एक आपको जो है ये कंपाउंड बनाना पड़ेगा तो इस चीज़ों का ध्यान रखेगा चलिए हमने जो है कंपाउंड क्रिएट कर लिया यूनिट हमने क्रिएट कर लिया एस्केप के मदद से बाहर आ जाते हैं अब हमें यहाँ पे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में आना होगा यहाँ पे इंटरपेश कीजिए अब यहाँ पे आपको जो है अटेंडेंस के लिए बताना होगा कि आप अटेंडेंस में क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं हमारे अटेंडेंस में क्या क्या हो सकता है एक तो वर्किंग डेज कितने दिन डे वो प्रजेंट रहा एक है जो है हमारा लीव की छुट्टी ले लिया उसने और तीसरा जो है हमारा अपसेंट का बनेगा कि वो उस दिन आया ही नहीं तो वो अबेंट का होगा और चौथा जो है हमारा ओवर टाइम का होगा अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो वो भी जो है हमारा अटेंडेंस के अंदर काउंट होता है ओवरऑल हमारे पास जो है चार अटेंडेंस कैटेगरी हो गए तो हम यहाँ पे चार अटेंडेंस कैटेगरी बनाएंगे सबसे पहले जो है नेम के अंदर हम लिखते हैं प्रजेंट यानी कि अगर एम्प्लॉय प्रजेंट हो तो हम उसको सैलरी किस हिसाब से पे करेंगे प्रजेंट कर लिए इंटरपेस कीजिए अंडर के अंदर कुछ नहीं करना है इंटरपेस करके आइए अटेंडेंस टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है कि अगर बंदा परजेंट होगा तो उसको सैलरी हम किस हिसाब से पे करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अटेंडेंस या लिव विथ पे यानी कि अटेंडेंस के हिसाब से हम इसको पे कर रहे हैं अगर एक दिन परजेंट है तो इसको जो है एक दिन का रुपया मिल जाए ओके परजेंट का हो गया अब हम दूसरा बनाते हैं अपसेंट का अपसेंट टाइप करेंगे इंटरपेस कीजिए अंडर के अंदर कुछ नहीं लिखना इंटरपेस करके अटेंडेंस टाइप के अंदर आना है अगर बंदा एबसेंट हो तो क्या हम उसको पे करेंगे बिल्कुल नहीं हम यहाँ पे लिख देते हैं लीव विदाउट पे तो यहाँ पे जो हम इसको सेलेक्ट करके लीव विदाउट पे करके इसे इंटर पेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे दो हमारा बन गया परजेंट और एबसेंट का हाँ दोस्तों तीसरा जो हमारा अटेंडेंस uh, टाइप होगा वो हमारा लीव का होगा जिसमें जो है हम लीव लेते हैं एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो उस दिन भी जो है हमारा एबसेंट ही काउंट करा जाता है तो यहाँ पर इंटरपेस करके नीचे आएंगे यहाँ पे लीव विदाउट पे का जो हमें ऑप्शन मिलता है इसको सेलेक्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा तीन बन चुका है सबसे लास्ट में जो है हम ओवर टाइम के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर हम ओवर टाइम टाइप करते हैं उसके बाद इंटरपेस करके सबसे नीचे अटेंडेंस टाइप में जो है आप आ जाइए ओवर टाइम हम किसके हिसाब से दे रहे हैं तो प्रोडक्शन बेस पे जो है हमारा ओवर टाइम निकलता है यहाँ पे प्रोडक्शन हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक यूनिट बनाया था आवर्स ऑफ सिक्सटी मिनट इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ये या इंटर से जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमने चार अटेंडेंस यूनिट बना लिया उसके बाद हमें बैक स्केप आना है अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पे हेड्स बनाने होते हैं तो चलिए पे हेड्स क्या होता है आप

तो यहाँ पे हम वो सारे पे हेड्स बनाएंगे जो कि हम अपने सैलरी सीट पे शो कराना चाहते हैं जिसके अंतर सबसे पहला जो है हम बेसिक सैलरी से स्टार्ट करेंगे कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं काम करता है तो उनका एक बेसिक सैलरी जो है कंपनी वाले फिक्स कर देते हैं तो वो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पेरोल के अंदर यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे नेम के अंदर जो है हम बेसिक सैलरी लिखते हैं इंटरपेस करके आपको नीचे आना है पे हेड्स टाइप में जो है आपको यहाँ पे रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यहाँ पे हमें जो है पे हेड्स टाइप में ये बताना होता है कि जो हम पे हेड बना रहे हैं वो किस तरीके का टाइप है यानी कि ये जो पे हेड्स है वो एम्प्लॉय का अर्निंग है या एम्प्लॉय का डिडक्शन है दो डिडक्शन होते हैं बाकी सारे जो है अर्निंग के अंदर आता है जो हमारा पी एफ और जो हमारा ई एस आई होता है वो एम्प्लॉय के अर्निंग से जो है डिडक्ट किया जाता है इसलिए वो जो है डिडक्शन फॉम एम्प्लॉय होता है और बाकी जो भी हम इसमें सैलरी स्लिप में हम शो कराने जा रहे हैं वो सारे जो है अर्निंग फॉम इम्प्लॉय होगा तो यहाँ पे जो है सबसे पहला बेसिक सैलरी तो इसको जो है आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में लेके चलेंगे इनकम टाइप जो हमारा बेसिक सैलरी होता है वो फिक्स होता है तो हम इसको फिक्स लेके चलेंगे अंडर किसके अंडर आएगा बेसिक uh, सैलरी जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है तो यहाँ से जो है हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इनको हम ऐसे रहने देंगे इंटरपेस करके हम सबसे नीचे आ जाते हैं कैलकुलेशन टाइप तो जो हमारा बेसिक सैलरी होता है वो किस पे डिपेंड होता है अटेंडेंस पे जो है कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे जो है हम ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अटेंडेंस या लिव विथ पे इसके अंदर जो है आपको परजेंट सेलेक्ट करना है नीचे आपको यहाँ पे प्रजेंट दिख रहा है तो इसको सेलेक्ट करके इंटरपेस करेंगे कैलकुलेशन पीरियड में जो है आपको मंथली सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो है मंथ सेलेक्ट करके बेसिक ऑफ कैलकुलेशन ये ऑप्शन ओपन होगा तो इसके अंदर जो है आप यूजर डिफाइंड करेंगे यानी कि जो है हर एक एम्प्लॉय का यूजर यहाँ पे आपको उनका डाटा देगा कि उसका बेसिक सैलरी क्या है तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड करके यहाँ पे मंथ ऑफ जो है थर्टी डेज एक महीने में जो है हम तीस दिन के हिसाब से जो है यहाँ पे सैलरी बनाएंगे तो थर्टी डेज लेके हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा जो बेसिक सैलरी का हेड था वो बन के तैयार हो गया पे हेड अब दूसरा जो है हम यहाँ पे डी ए बनाने वाले डी ए यानी कि डैनेस अनाउंस जो कि कंपनी वाले हमें प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे चलिए हम नाम के अंदर डी एन एस अनाउंस और ब्रैकेट में जो है हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं डी ए इंटरपेस करके हम जो है आ जाएंगे पे हेड टाइप में ये भी जो है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है और ये साथ में जो है हमारा फिक्स होता है ये किसके अंदर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो हमारा डी ए होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सबसे नीचे आते हैं हम कैलकुलेशन टाइप तो जो हमारा डी ए है वो हमारे बेसिक सैलरी पे डिपेंड होता है कि बेसिक सैलरी का चार परसेंट या तीन परसेंट ये कंपनी वाई कंपनी जो है चेंज होते रहता है तो इसे जो है हम बेसिक सैलरी से जो है कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा एज कम्प्यूटेड वैल्यू तो इस पे जो है हम क्लिक करेंगे इस तरीके का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा राउंडिंग मेथड अगर आप राउंडिंग मेथड लगाना चाहते हैं नॉर्मल राउंडिंग अपवर्ड राउंडिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड में जो ऊपर ले लेगा सॉरी नीचे कर देगा नॉर्मल जो अगर फाइव प्लस है तो उसे एक मान के चलेगा तो अगर राउंडिंग आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइज जो, यहां जो ए, है नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे जो है कंप्यूट में आपको सेलेक्ट करना है ऑन एसिफाइड फॉर्मूला सबसे नीचे का ऑप्शन आएगा इसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है पे हेड में बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे इंटरप्रेस करके इंड ऑफ लिस्ट पे आ जाएंगे इफ़ेक्टिव फ्रॉम एक अप्रैल यहाँ से आपको डेट डालना है कब से ये जो है इफ़ेक्टिव है तो हम इसे एक अप्रैल ही रहने देते हैं इंटरपेस करके आगे चलेंगे स्लैब टाइप में आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि ये बेसिक सैलरी का कितना परसेंट कटेगा हम इसको जो है फाइव परसेंट ले चलते हैं कि अगर हमारा दस हज़ार बेसिक सैलरी बन रहा है तो उसका पाँच परसेंट जो है हमें डीए मिलेगा तो हम फाइव परसेंट करके इंटरपेस करेंगे और कंट्रोल ए से इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा जो है डीए का भी जो है पे हेड बन चुका है उसी तरीके से जो है हमारा टी ए एच आर ए और साथ में जो है एम ए टी ए यानी कि टेबलिंग अनाउंस और जो हमारा एच आर ए होता है हाउस रेंट अनाउंस और सबसे लास्ट में एम ए मेडिकल अनाउंस तो ये सारे जो है हम बना लेंगे चलिए सबसे पहले जो है हम टी ए का देखते हैं टी ए किस तरीके के टाइप में आएगा ये भी जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय का ये भी जो है फिक्सड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा उसके बाद नीचे सबसे नीचे आएंगे कैलकुलेट टाइप इसे जो है एज कंप्यूट वैल्यू लेके चलेंगे आप उसके बाद अगर आप राउंडिंग यूज करना चाहते हैं तो कीजिए अदरवाइज यहाँ पे आपको आ जाना है कंप्यूट में कंप्यूट पे आने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला क्लिक कीजिए हम कौन से पे फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जो हमारा टी ए होता है ट्रेवलिंग अनाउंस वो हमारे बेसिक सैलरी से निकलता है तो हम इसे यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके इंड ऑफ लिस्ट करेंगे कब से अप्लीकेबल है एक अप्रैल एक अप्रैल से मान के चलते हैं। जो हमारा टाइम पीरियड है वो एक अप्रैल से होगा उसके बाद स्लैब टाइप में परसेंटेज सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको बताना है कितना परसेंट जो है बेसिक सैलरी का कितना परसेंट ये हमारा कटेगा इसे जो हम फोर परसेंट करके इंटरपेस करेंगे कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे टी ए का भी जो है एक पे हेड बन चुका है इसी तरीके से जो है एच आर ए हाउस रेंट अनाउंसमेंट निकालेंगे एच आर ए भी जो है हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है और साथ में जो ये भी एक फिक्स अमाउंट होता है ये भी एक जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे सबसे नीचे कैलकुलेशन टाइप में कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे फ्लैट रेट देना है जो हमारा फ्लैट का रेट होता है वो होता है यानी कि इसे आपको मैनुअली हर महीने भरना होगा एचारेज जो है टाइम टू टाइम चेंज भी होता है इसलिए हम इसे यहाँ पे फ्लैट रेट रेट लेके चलते हैं उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड आ जाएगा इससे जो है हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि हम इसे मंथली पे कर रहे हैं राउंडिंग अगर यूज करना चाहते कीजिए अदरवाइज नोट अपलिकेबल करके कंट्रोल इसे से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो है एच का भी जो है पे हेड बन चुका है नेक्स्ट हमारा होगा मेडिकल अनाउंसमेंट तो यहाँ पे जो है मेडिकल अनाउंसमेंट का पे हेड बनाएंगे एम ए जो होता है वो भी हमारा जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए तो इसे जो है अर्निंग लेके चलेंगे ये भी जो है फिक्स होता है और ये भी जो है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है सबसे नीचे आएंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम एम का ये भी जो है बेसिक सैलरी के कुछ परसेंट को जो है काउंट करके दिया जाता है तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप जो है एज कम्प्यूट वैल्यू अगर आप राउंडिंग मेथड यूज करना चाहते कीजिए अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्मूला फिस आना है और उसके बाद जो है यहाँ पे पे हेड में आपको बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है क्योंकि जो हमारा एम भी है वो बेसिक सैलरी से निकलता है उसके बाद यहाँ पे आने के बाद परसेंटेज सेलेक्ट करना है सिक्स परसेंट हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारा बेसिक सैलरी का छः परसेंट जो है एम ए मिलेगा तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिए हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा ये पूरे डाटा अभी तक हमने जो भी पे हेड्स बनाए थे ये सारे हमारे लिए अर्निंग था यानी कि इम्प्लॉय के लिए अर्निंग था अब दो जो है हम ऐसे पे हेड्स बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन का, का काम करेगा जैसे कि पीएफ और ईएसआई ये दो ऐसे

कैलकुलेशन टाइप ये क्या होता है ये भी जो है एज कम्प्यूट वैल्यू पे जाएगा ये भी जो है हमारा बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है उसके बाद राउंडिंग यूज करना चाहते कीजिए अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद फॉर्मूला पे आ जाइए उसके बाद जो है यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिए एंड ऑफ लिस्ट पे आइए यहाँ पे आपको स्लैब टाइप में परसेंटेज सेलेक्ट करना है जो हमारा पीएफ करता है वो बेसिक सैलरी का बारह करता है तो यहाँ पे बारह लेके इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे पे का जो है पे हेड्स बन चुका है सेम इसी तरीके से ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इसका भी जो है हम एक पे हेड्स बनाएंगे नीचे आएंगे टाइप में हमें जो है यहाँ पे डिडक्शन फॉर्म एम्प्लॉय पे सेलेक्ट करना है ये जो है हमारा करेंट लाइवलिटीज आएगा करेंट लाइबिलिटीज पे सेलेक्ट करके कैलकुलेशन टाइप पे जो है एज कंप्यूट वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल नाइटू हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके सबसे लास्ट में यहाँ पे स्लैब टाइप परसेंटेज और कितना परसेंट होगा टू पॉइंट फाइव या थ्री परसेंट जो है हमारा एस आई कटता है बेसिक सैलरी का तो हम 2.5 लेके चलते हैं इंटरफेस करके कंट्रोल ए कर लेंगे तो हमारे काम में जितने भी अभी तक पे रोल्स पे हेड्स थे वो सारे बन चुके हैं एक पे हेड्स अभी हमें और बनाना होगा देखिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो ये बेसिक सैलरी डी ए एच आर एम ए सारे बच्चों के टी ए भी बना लिया ई एस आई और पी एफ भी बन लिया एक बाकी रह गया वो हमारा ओवर टाइम का तो चलिए अब हम ओवर टाइम के लिए हम बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर में आपको जो है नेम के अंदर ओवर टाइम टाइप करना है यहाँ पे टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा ये जो है अर्निंग होता है एम्प्लॉय के लिए ये जो है फिक्स होता है ये भी जो हमारा इनकम टाइम है वो फिक्स है ये किसके अंदर आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर उसके बाद जो है एज यूजर डिफाइंड जहाँ पे आपको दिख रहा है कैलकुलेशन टाइप इसको आपको सेलेक्ट करना होगा ऑन प्रोडक्शन क्योंकि जो हमारा ओवर टाइम होगा वो प्रोडक्शन बेस पे निकलेगा तो हम प्रोडक्शन लेके चलेंगे उसके बाद प्रोडक्शन टाइप में आपको ओवर टाइम सेलेक्ट करना है और राउंडिंग लगाना चाहते लगाइए अदरवाइज नॉट अपलीकेबल के बाद कंट्रोल ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए तो हमारे यहाँ पे सारे पे हेड्स बन चुके हैं स्केप करके आप बाहर आएंगे तो देखिए अभी तक हमने पेरोल मास्टर तैयार कर लिया जिसमें हमने सबसे पहले एम्प्लॉय का ग्रुप बनाया एम्प्लॉय का डिटेल फिल करा यूनिट बनाया और उसका अटेंडेंस और साथ में जो है हमने पे हेड्स बना लिया तो ये हमारा जो है पे रोल का मास्टर हो गया दोस्तों अभी तक हमने जो भी चीज़ बनाया था वो मास्टर ऑफ टैली यानी कि एक हमने अपने आप में डाटा रिकॉर्ड जो है तैयार कर लिया अब हमें जो है एम्प्लॉय का जो हमने डी ए एम ए टी ए जो भी चीज़ हमने बनाया था उनको जो है उनके डाटा पे हमें लेके आना पड़ेगा यानी कि अब जब मैं आपको प्रैक्टिकली करूंगा तो बेटर समझ में आएगा गेटवे ऑफ टेली के आने के बाद आपको अल्टर पे आना है अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे वही पेरोल मास्टर आपको शो हो रहा होगा इसी के नीचे आपको देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय जो हम ऐड करे थे इसी एम्प्लॉय पे आ जाना है यहाँ पे आपको एक एक करके सारे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है हमारे पास फिलहाल जो है एक एम्प्लॉय है तो हम विवेक को ही सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस करेंगे जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन था डिफाइंड सैलरी डिटेल्स इसको अब हमें ऑन करना है चलिए यहाँ से जो है इसको हम ऑन करते यस करेंगे जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे पास जो है सैलरी डिटेल्स का एक जो है टॉप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे इस बंदे का हम क्या क्या सैलरी ऐड कर रहे हैं इसका बेसिक सैलरी क्या होगा डी क्या होगा एम क्या होगा तो वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा तो इफेक्टिव फ्रॉम कब से ये इफेक्टिव है तो वन फोर ट्वेंटी टू हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरपेस करेंगे पे हेड्स हमें सेलेक्ट करना है कि इसे हम सैलरी सीट में क्या क्या चीज़ शो कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी इनका शो कराएंगे बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लिए इसका बेसिक सैलरी हम क्या देते हैं बारह हज़ार हम मान के चल रहे हैं इसका हमने बेसिक सैलरी फिक्स कर लिया यहाँ पे पे हेड्स हो गया रेट क्या है उसके बाद पे हेड टाइप क्या है और कैलकुलेसन हम कैसे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा तो ये दो चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगा जो आपने इनका पे हेड्स बनाते समय यूज़ करा था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इंटरफेस कीजिए उसके बाद आपको डी इसका शो कराना है अगर डी अनाउंसमेंट इसको मिलता है तो डी एन एनस अनाउंसमेंट्स को भी सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद ई एस आई इसका अगर कटता है तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए हाउस रेंट मिलता है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे देखिए हाउस रेंट पे हमने मंथ सेलेक्ट करा था यानी कि फ्लैट सेलेक्ट करा था जिसमें हमें मैनअली जो है यहाँ पे पुट ऑफ करना पड़ेगा कि इसका कितना वैल्यू हम पे कर रहे हैं फाइव थाउजेंट हम लेके चलते हैं कि इसको जो है हम चाह के रूप में दे रहे हैं उसके बाद इंटरपेस कीजिए उसके बाद पी एफ उसके बाद जो है हमारा टी है। अगर ये बंदा ओवर टाइम भी करा है तो हम यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट करके कितने आवर्स करा है जैसे हम फोर्टी आवर्स लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमने इनका सारा डिटेल कर लिया उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे अगेन जो है कंट्रोल ए से इनको एक्सेप्ट करेंगे तो इनका पूरा डाटा जो है एक्सेप्ट हो चुका है तो ये अभी तक हमने इनका सारा डिटेल जो है एम्प्लॉय का फिल कर लिया चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो है अटेंडेंस कैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि जो है हम पेरोल यानी कि जो हमारा सैलरी स्लिप है वो हम निकाल सकें सबसे पहले आपको गेट वे ऑफ टैली पे आ जाना है स्केप के मदद से यहाँ पे आने के बाद आपको आना है भाउचर में ये चीज़ें जो है आपको हर मंथ करना पड़ेगा ये जो भाउचर के बाद जो अब हम जो प्रोसेस करने जा रहे हैं अगर आप नेक्स्ट मंथ का पे स्लिप ले रहे हैं तो उस समय भी जो है आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद जो है आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा जिससे जो है अदर भाउचर आपको शो होगा सबसे नीचे आपको देखिए पेरोल भाउचर यहाँ पर दिख रहा है दो ऑप्शन है अटेंडेंस उसके बाद पेरोल सबसे पहले हम इस बंदे का अटेंडेंस लगाएंगे अटेंडेंस पर क्लिक कीजिए यहाँ पे हमारे पास वो सारे एम्प्लॉय आ जाएगा जिसका हमने जो है पे हेड्स बना रखा है यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा जिसको जो है हमने पेरोल मास्टर में ऐड कर रखा है फिलहाल हमने एक ही को ऐड कर रखा है तो एक ही शो हो रहा है विवेक को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम जो है अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप जो हमने ऐड करा था अपस लीव ओवर टाइम प्रजेंट वो हमें यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले हम प्रजेंट से स्टार्ट करते हैं प्रजेंट पे क्लिक करेंगे कितना दिन ये प्रजेंट था ट्वेंटी सेवन डेज हम ट्वेंटी सेवन टाइप करके इंटरफेस करते हैं अगेन इसी बंदा का जो है हम लेना चाहेंगे पर इसको सिलेक्ट करेंगे ये कितना दिन का छुट्टी लीव था तो एक दिन का लीव था एक दिन फिर इसी को सिलेक्ट करेंगे अपसेंट कितने दिन का था तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो जो चीज़ें आप इस बंदे पे अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिर से इसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके अब हमारा प्रजेंट हो गया लीव हो गया अप्सेंट हो गया रह गया ओवर टाइम ओवर टाइम सेलेक्ट करके इसका कितना ओवर टाइम था फोर्टी आवर्स तो फोर्टी हम लेके कर इंटरपेस करेंगे अब इस एम्प्लॉय का मान के चलिए हमने सारे इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिए इनका अटेंडेंस जो है इस मंथ का हमने ऐड कर लिया इसी तरीके से अगर और भी एम्प्लॉई है तो उनका सेलेक्ट करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे अटेंडेंस यहाँ पर तैयार कर लेंगे कंट्रोल ए से इनके डाटा को एक्सेप्ट करेंगे एस्केप से जो है आप वापस आ जाएंगे फिर से वाउचर पर क्लिक कीजिए एफ़ टेन अदर वाउचर पेरोल कंट्रोल एफ फोर या यहाँ पे आने के बाद इंटरफेस कीजिए अकाउंट के अंदर आपको कैश सेलेक्ट करना है यहाँ पे आने के बाद दोस्तों कंट्रोल एफ प्रेस करना है यहाँ से आपको जो है ऑटोमेटिक पेरोल का सारा डाटा आ जाता है यहाँ पे पेरोल सेलेक्ट कीजिए यहाँ से जो है आपको सैलरी सेलेक्ट करना है कब से कब तक का आप जो है इसको सैलरी पे कर रहे वो डेट आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से चलिए हम जो है डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमने डेट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ से जो है हमें एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है किस एम्प्लॉय को जो है आप ये पेरोल दे रहे हो तो यहाँ से हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से एम्प्लॉय नेम रखेंगे इसे कैसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे इस बंदे का पेरोल बनके तैयार हो चुका है इसी तरीके से आप अगर अदर एम्प्लॉय हैं उनका भी जो है पेरोल तैयार कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं कि पेरोल का हम प्रिंट आउट जो है लेना चाहते तो वो कैसे लेंगे गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखेगा इस पर आना है यहाँ पे आने के बाद आपको पेरोल रिपोर्ट दिखेगा यहाँ पे देखिए पेरोल रिपोर्ट पे आपको आना है यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन पे दिखेगा पे स्लिप इस पर सेलेक्ट कीजिए उस बंदे का आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय का जिसका देखना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे तो उनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कंट्रोल ई -E से आप जो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में यहाँ से सेंड क्लिक कीजिए यस कर दीजिए फिलहाल जो है हमारा ये फाइल ओपन है इसलिए नहीं दिखा रहा है अगेन हम इसे एक्सेक्ट करके दिखाते हैं आपको एक्सट्रेक्ट यहाँ से यस yes कीजिए इस बंदे का यहाँ पे पे रोल जो है देखिए बन के तैयार हो चुका है इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है शो हो जाएगा अगर इसका प्रिंट रिव्यू लेना चाहते हैं कंट्रोल पी प्रेस कीजिए आई प्रेस कीजिए या यहाँ पे आके इंटर प्रेस कीजिए ऑल्ट जैड करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा तो इस तरीके से जो है आप कहीं भी जाते तो आपको पे स्लिप जो है देखने को मिलता है आई होप आप जो है पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि टेली के अंदर हम जो है पे रोल कैसे बनाएंगे किस हिसाब से जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए ऐसे वीडियो के क्लब हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए हमित दीजिए थोड़ा सा समय हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द